आज मसाला किचन की कुरकुरी क्रिस्पी चिप्स की आवाज सुन रहे हैं, इसे देखकर ही बनाने का मन कर जाएगा। अभी 2 तारीख से हमारे नवरात्रि के व्रत शुरू हो रहे हैं, ऐसे में हम कई चीजें बनाते हैं, पर जो आज की रेसिपी लाई हूँ वो जरूरी नहीं है कि आपने व्रत रखा ही हो। ये चिप्स ऐसे है कि हर किसी का मन कर जाता है इसे खाने के लिए, लेकिन हम यही बहाना करते हैं कि ये बच्चे ही खाते हैं, हम भी खाते हैं। ये चिप्स देख रहे हैं आप कितनी क्रिस्पी कितनी टेस्टी बन रही है नॉर्मल आलू के साथ। कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। आप सबको आसान खाना सिखाना मेरा मिशन है, मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो भी फ्री में। तो यहाँ देखिए मैं आपको 2 तरीके के आलू दिखा रही हूँ। ये रेड कलर के भी आलू हैं, कई जगह आपको रेड कलर के आलू मिल जाएंगे, खास तौर से महाराष्ट्र गुजरात यूपी साइड। अगर नहीं मिलते हैं तो नॉर्मल जो ये छिलके वाले आलू हैं उससे भी मैं चिप्स बनाकर दिखाऊंगी, कोई फर्क नहीं है, बस बनाने का तरीका ये है। आज की जो चिप्स है ना मैं उसे धूप में डालने वाली हूँ ना ही मैं उसे उबालने वाली हूँ। चलिए इस फटाफट से इस कुरकुरी चिप्स को बनाएं कैसे। सबसे पहले आलू को छील लेते हैं। जो पहले स्टार्टिंग में सर्दियों में जो आलू आते हैं ना, जो कि हम नॉर्मली जरा सी पतला छिलका होता है उसे हम छील के और बना लेते हैं, उस आलू से कभी भी चिप्स नहीं बनती। चिप्स उसी आलू से बनती है जिसे हम पिलर से छीलते हैं। ये टाइम जो आलू होता है बहुत पक्का हो जाता है, और आपने सुना भी होगा होली के बाद जो आलू होता है वो चिप्सोना आलू होता है। आलू को छील के मैंने एक तरफ पानी में रख दिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें मैं पानी ले रही हूँ एक कटोरी में थोड़ा सा, और इसमें डाल रही हूँ सेंधा नमक। क्योंकि हम व्रत के लिए बना रहे हैं इसलिए सेंधा नमक डाल रही हूँ, अगर नॉर्मल में आप बनाकर खा रहे हैं तो कोई भी नमक यूज़ कर सकते हैं। बस ये पानी को आप तैयार रखिए। आप चिप्स कटर कोई भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर कई टाइप के आजकल चिप्स कटर आने लगे हैं, पर मेरे हाथ में वही सेट है जो बहुत पुराना मेरे पास है, स्टील का। ये अक्सर सभी के घरों में होता है, तो आप चाहे डिज़ाइन वाली बनाएं तो आप चाहे प्लेन वाली बनाएं, मैं दोनों टाइप की बनाकर आपको दिखा दूंगी। बस यहाँ आपको ध्यान ये रखना है जो चिप्स का साइज़ है बहुत बारीक नहीं होना चाहिए, बहुत बारीक होगा वो पक बहुत जल्दी जाएंगी, लाल बहुत जल्दी हो जाएंगी। आपको इसका साइज पर ध्यान रखना है कि थोड़ी सी मोटी हो। दूसरी तरफ आप गैस पर फ्लेम पर एक कढ़ाई रखिए, क्योंकि ना इस चिप्स को हम बना के काफ़ी देर रखने वाले नहीं हैं, बस गर्म होगा ऑयल और डालते ही जाएंगे। जो छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं ना जिसकी वजह से हमारी चिप्स बहुत परफेक्ट बनती हैं, तो वो है ये, बहुत सारे आलू आप एक साथ घिस के ना रखें, और दूसरा जो ऑयल है काफ़ी गर्म होना चाहिए। अब यहाँ पर जो मैंने आलू को घिसा है ना, एक आलू को, उसे मैंने टॉवल पर डाल दिया है जिससे वो उसका पानी थोड़ा सूख सा जाए। अब यहाँ पर ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, फ्लेम भी फुल है, मैंने इस चिप्स को इसमें डाल रही हूँ। बस एक बात का ध्यान रखें, कढ़ाई बहुत पतली ना हो, बहुत पतली होती है तो फ्लेम बहुत ज़्यादा हो जाती है और फिर हमारी चिप्स लाल हो जाती हैं। थोड़ी मोटी कढ़ाई होगी ना तो बहुत ही बढ़िया चिप्स बनेंगी। चिप्स जब जरा सा बनना शुरू हो गई, जब उसकी आवाज़ थोड़ी सी बंद हो गई, तब यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच वो पानी डालना है, कुछ ड्रॉप्स इस तरफ कुछ ड्रॉप इस तरफ से, जिससे वो नमक जो है सेंधा नमक सारी चिप्स के ऊपर लग जाएगा। अब ये चिप्स लाल भी नहीं पड़ेंगी, क्रिस्पी बहुत बनेंगी। आलू की एक बैच जो चिप्स की है उसे फ्राई होने में कम से कम 5 से 6 मिनट लगेंगे। जब आपको लगे कि उधर चिप्स बन रही हैं तब आप दूसरा आलू भी घिस दीजिए। घिस के जब तक आप टॉवल पर रख देंगे तब तक इधर आपकी चिप्स फ्राई हो जाएंगी। मुझे लगा अभी व्रत भी चल रहे हैं और ये टाइम भी है आलू के चिप्स बनाने का, तो क्यों ना हम ऐसी चिप्स बनाएं जो व्रत में एंजॉय कर सके। ये देखिए अब कितनी चिप्स फ्राई हो रही हैं, क्रिस्पी हो रही हैं, बिल्कुल आवाज़ आ रही है, लेकिन वो लाल नहीं हुई हैं। तो आपकी तरफ यदि लाल वाला आलू मिले तब भी ले सकते हैं, अगर आपकी तरफ ऐसा वाला नॉर्मल जो आलू होता है जो चिप्सोना आलू के नाम से मिलता है वो भी ले सकते हैं। जब आपको खुद महसूस हो कि चिप्स काफ़ी क्रिस्पी लग रही हैं तब आप उसे एक छन्नी में निकाल लीजिए, और आप जब इसे उछालेंगे ना इसकी आवाज़ बहुत अच्छी सुनाई देगी आपको। बस जब ये आवाज़ सुनाई दे आप एक प्लेट में निकालते जाएं। अब जब ऑयल गर्म हो तब ये जो टॉवल पे रखी हुई चिप्स हैं वो डालते जाइए। बस यही रूटीन रहेगा, आपकी चिप्स बहुत ही बढ़िया बनती रहेंगी। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पकने के बाद मैंने यहाँ पर 1 चम्मच नमक वाला पानी भी डाल दिया।
एक टाइम में एक आलू जो बड़ा होता है वो ही डालें चिप्स। बहुत ज़्यादा डालेंगे तो उसकी फ्लेम पर फर्क पड़ेगा। गैस की फ्लेम बहुत ज़्यादा अगर तेज़ जलती है, डिपेंड करता है गैस पर, तो आप थोड़ा मीडियम भी कर सकते हैं। पर मेरा गैस नॉर्मल है तो मैंने मोटी कढ़ाई भी रखी है, तो मैंने इसे जो नॉर्मल जो जलाते हैं बस गैस उतना ही रखा है। ये देखिए चिप्स फिर से फ्राई हो गई हैं और कड़क सी लग रही हैं। मैं इसकी आवाज़ भी सुना रही हूँ। आगे मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि आप चाहें तो इसे नमक वाली ही खाएँ जैसे व्रत में खाते हैं, या छोटे बच्चे बहुत पसंद करते हैं लेज वगैरह, और चाहें तो इसमें कौन से ऐसे मसाले डालें अंकल चिप्स की तरह चटपटी सी बन जाएँ। तो है ना बड़ा आसान सा इस चिप्स को बनाना। बस छोटी सी ट्रिक्स को फॉलो कीजिए, आलू वही लाइए जो चिप्स होना है और उसे इस तरीके से फ्राई कीजिए। केले के चिप्स व्रत में हम खाते हैं, शकरकंद के चिप्स हम खाते हैं, उन दोनों की रेसिपी मैंने दे रखी है, उन सब की लिंक मैं नीचे डाल देती हूँ, आप उन्हें देखकर बना सकते हैं। बहुत ही आसान है उन्हें बनाना। अब बनाते हैं हम प्लेन वाली चिप्स। उसे भी हमें इसी तरीके से टॉवल पर रख कर उसे एक्स्ट्रा पानी सुखाना है और उसे फ्राई करते जाना है। तो यहाँ देखा आपने, मैंने नॉर्मल सा आलू लिया है, लाल आलू भी नहीं बनाए हैं, बस मैंने दिखाए जरूर हैं, और ये नॉर्मल आलू से भी कितनी बढ़िया ये चिप्स बन रही है। और ऐसे आलू हर जगह हर शहर में मिल रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है और सस्ते भी बहुत हैं। तो घर में जो पैकेट वाले हमारे चिप्स आते हैं, वो पैकेट पूरा हवा से भरा हुआ होता है, उसमें चिप्स तो बिल्कुल दो चार ही निकलती हैं, तो ऐसा कोई टेंशन नहीं है। अब ये चिप्स पूर बनाइए और भरपूर इंजॉय कीजिए इसे खाकर। इनकी भी आवाज़ देखिए कितनी अच्छी आ रही है, क्योंकि ये क्रिस्पी बहुत है। वैसे अगर आप मसाले डालना चाहें तो आपके पास ये दो तीन टाइप के मसाले होते हैं जो मैंने पहले आपको बनाना बताए हैं। चाट मसाला है, सूखा पुदीना है, और तीसरा है टमाटर का पाउडर। इन तीनों चीज़ों को एक बार मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए, चाहें तो बहुत थोड़ी सी चीनी भी डाल दीजिए, और इस मसाले को आप चिप्स के ऊपर डालकर आप थोड़ा सा शेक कीजिए, बढ़िया से ये चिप्स बन जाएंगे। आप इन्हें किस तरीके से बनाना पसंद करेंगे, मसाले वाली या प्लेन, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल पर अगर आप नए आए, इसे सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं।